नमस्कार, मैं कृष्णा सोनी मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बिना दाल के मेंदू वड़े, और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और फटाफट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने बड़ा बाउल लिया है। यहाँ एक कप मैंने यहाँ चावल का आटा लिया है। अब आप पूछोगे चावल का आटा कैसे बनाएं, तो घर में जो चावल होते हैं उसे धोकर सुखा लीजिए और उसे मिक्सी में पीसकर आटा तैयार कर लीजिए। मैं बाउल के अंदर चावल का आटा डाल दूंगी। इसी कप से नापकर मैंने यहाँ एक कप दही लिया है। मैं इसके अंदर दही डाल दूंगी। अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। दही को और चावल के आटे को हम अच्छे से मिला लेते हैं। इस तरह मिला लीजिए ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अगर इसमें कोई लम्स रहेंगे, गुठलियाँ रहेगी, तो हमारे मेंदू वड़े में अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह इसे अच्छे से मिला लीजिए। अब उसी कप से मैं यहाँ एक कप पानी ले रही हूँ, तो एक कप पानी डाल दूंगी। थोड़ा थोड़ा करके डालिए और इसे मिलाती जाइए। थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पानी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिला रही हूँ। तो यहाँ हमने ये अच्छे से मिलाकर तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह का घोल बनाकर तैयार कर लिया है मैंने, ये देखिए। अब मैं इसके अंदर यहाँ एक मीडियम साइज़ का मैंने बारीक काटकर प्याज लिया है, वो डाल दूँगी इसके अंदर। दो हरी मिर्च ली है, जिसे भी मैंने बारीक बारीक काट कर तैयार कर लिया था, वो डाल दूंगी। एक चम्मच हमने यहाँ अदरक का पेस्ट लिया है, वो डाल दूंगी। आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ काली मिर्च ली है, वो डाल दूंगी। एक चम्मच मैंने यहाँ नमक लिया है, नमक आप स्वाद अनुसार डालिए, वो डाल दूंगी। और आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ जीरा लिया है, वो डाल दूंगी। और सबको डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ मैंने एक फ़ैन लिया है और फैन के अंदर मैं जो हमने बैटर बनाकर तैयार किया है चावल का घोल, वो डाल दूंगी। तो घोल कर इसे डाल दीजिए। मैंने सारे घोल को इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं गैस ऑन कर दूंगी और गैस एकदम मीडियम रखेंगे और मीडियम गैस पर हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। ये फटाफट पककर तैयार हो जाता है। इस बड़े में केवल दही और चावल का आटा ज़्यादा ज़रूरी रहता है। उसके अलावा मसाले आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डाल सकते हैं। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज मत डालिए, ये बिना प्याज के भी बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो अब मीडियम गैस पर मैं इसे अच्छे से पका लूँगी। तो ये देखिए, 2-3 मिनट में ही अच्छे से गाढ़ा होने लग गया है। हमें इसे अच्छे से चलाते हुए पकाना है। तो ये देखिए, ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब हमें इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है इसे। तो मैं गैस बंद कर दूंगी और इसे अच्छे से ठंडा होने दूंगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाता है। तो ये देखिए, हमारा डो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसके बड़े बनाना शुरू करेंगे। बड़े बनाने से पहले मैं तेल गरम करने रख दूँगी। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है। मैं गैस ऑन कर देती हूँ और तेल को गरम होने देती हूँ। जब तक हमारा तेल गरम होता है, हम हमारे बड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चम्मच से थोड़ा सा डो लेंगे, हाथों पर तेल लगा लेंगे और इसे इस तरह गोल कर देंगे। इस तरह दबा दीजिए और बिल्कुल बड़े की साइज में कर लीजिए इसे, और बीच में से एक उंगली से अच्छे से होल कर लीजिए। इस तरह छेद कर लीजिए बीच में से,
तो ये देखिए कि इसी तरह हम सारे बड़े बना लेंगे। फिर हाथों पर जब भी बड़े बनाओ हाथों पर तेल लगा लीजिए। हाथों पर तेल लगाएंगे, थोड़ा सा डोलेंगे और इसे इस तरह गोल कर लेंगे। ये आराम से बन जाता है और फिर हाथों से दबाकर इसे इस तरह बड़े की साइज़ में कर लेंगे और फिर उंगली से इस तरह होल कर देंगे और इसी तरह हम हमारे सारे बड़े बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमने बड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी। तो फ्राई करने के लिए तेल हमें मीडियम गरम चाहिए। तो मैं एक टुकड़ा डो का डालकर देख लेती हूँ। तो ये देखिए धीरे धीरे उठकर ये ऊपर आ रहा है, यानी तेल बिल्कुल परफेक्ट गरम है। हमें मीडियम गैस पर हमारे बड़े फ्राई करने हैं। तो गैस बिल्कुल मीडियम है, मैं एक एक बड़ा डाल दूँगी। और जब तक हमारा बड़े तैर कर ऊपर नहीं आ जाते हम इन्हें बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं पलटेंगे हम इन्हें। तो बड़े तैर कर ऊपर आ गए हैं। तो अब मैंने पलट दूंगी। ये देखिए बिल्कुल करारे करारे हो गए हैं एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से भी हम इसे इसी तरह पलट कर अच्छे करारे होने देंगे। गैस का खास ध्यान रखिए, गैस मीडियम रखिए। तो ये हमारे मेन्यू बड़े दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो मैं इन्हें निकाल लूँगी। तो इस तरह करछी को टेढ़ा कर लीजिए और इसे एक्स्ट्रा ऑयल को इस तरह निकाल लीजिए और मेहंदी बड़ों को प्लेट में रख दीजिए इस तरह। अगर आप चाहो तो इन्हें टिश्यू पेपर पे भी रख सकते हो। ये भी मैं इसी तरह निकाल लूँगी। दूसरा बेच भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। तो एक एक बड़ा डाल देंगे। जब ये तैर कर ऊपर आ जाएगा तब हम इसे पलटेंगे। तो ये देखिए हमारे मेहंदी बड़े बनकर एकदम तैयार है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये देखिए ये बाहर से कितने क्रिस्पी है और अंदर से कितने सॉफ्ट है, ये देखिए।